सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 44वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए, बम्बई। अगला, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, सोना। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे क्या कहते थे आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए, बलि कहते थे। अगला, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था ऑप्शन बी, सारनाथ में। अगला है, वृद्ध गंगा नाम से प्रसिद्ध दक्षिण भारत की नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो गाइस देखिए, स्वेज नहर जो जोड़ती है, ऑप्शन बी, लाल सागर और भूमध्य सागर, इन दोनों को जोड़ती है। अगला है, भारत में चक्रीय योजना या कह सकते हैं रोलिंग प्लान की अवधि थी, तो रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी? ऑप्शन बी, 1977 से 1980। किस मुगल बादशाह के समय सतनामियों ने विद्रोह किया? तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? ऑप्शन ए, 1739 ईस्वी में। अगला है, बहादुर शाह था, तो बहादुर शाह क्या था? ऑप्शन सी, अंतिम मुगल शासक था। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी? ऑप्शन ए, वैरकपुर में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव होता है, तो इसका होगा ऑप्शन ए, आमाशय। मनुष्य के रक्त का पीएच होता है, तो मनुष्य के रक्त का, खून का जो पीएच मान होता है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.5। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ऑप्शन डी, 5 जून को। भारत भारती किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारत भारती लिखी गई है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। भारत द्वारा जो प्रथम प्रायोगिक उपग्रह छोड़ा गया उसका नाम क्या है? तो गाइस उसका नाम है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है ऑप्शन डी, रिएक्टर स्केल पर। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो गाइस जापान की मुद्रा हो जाएगी ऑप्शन ए, येन। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती? तो कर्क रेखा जो हो जाएगी ऑप्शन सी, उड़ीसा से होकर नहीं जाती। भारत की संविधान सभा के अस्थाई सभापति थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है, अस्पष्टता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो इसका होगा ऑप्शन ए, 17वें। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर कौन करता है? ऑप्शन ए, ग्राम सेवक। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियर तथा वुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन सी, शेयर बाजार में। अगला है, स्वच्छ आकाश में नीले रंग का कारण क्या होता है? ऑप्शन बी, प्रकाश का प्रकीर्णन।
अगला है कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ होता है, तो ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण कौन सा होता है, ऑप्शन ए एटम या परमाणु। गाइस अब हम लोग करेंगे राजस्थान जीके के कुछ 20 क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें बनता है राजस्थान जीके में, रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थानी कला का संकलन, रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य। अगला, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था वह कौन थी, तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी रानी हाडा। अगला क्वेश्चन है, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाहरगढ़ का किला, इसमें क्या है एक जैसे 9 महल हैं। राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं, तो गाइस इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जयपुर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी पाने का। अगला, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो ये आपका आंसर क्या होगा गाइस, तो संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था, ऑप्शन डी आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। अगला है, झाड़शाही सिक्के किस राज्य से संबंधित हैं, तो झाड़शाही सिक्के संबंधित हैं ऑप्शन बी जयपुर। चंपारण की संधि किसके मध्य हुई, तो चंपारण की संधि हुई थी ऑप्शन बी मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच, ओके चंपारण की संधि हुई थी। मेवाड़ में रागमाला रसिक प्रिया गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी महाराणा अमर सिंह प्रथम, इनका शासनकाल रहा 1597 से 1620। अगला सुमेलित करना है, एक में देखिए समाचार पत्र हैं, दूसरे में संस्थान है, और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। देखिए जय हिंद समाचार पत्र का क्या होगा, दूसरे से कोटा, फिर आपका है तरुण राजस्थान समाचार पत्र, इसका हो जाएगा चौथे से ब्यावर, फिर नवीन राजस्थान, इसका हो जाएगा तीसरे से अजमेर, फिर राजस्थान केसरी, इसका हो जाएगा वर्धा। अगला है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्भेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी मुकाम। आपका अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे ऑप्शन डी अत्रि कवि। अगला है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जुन लाल सेठी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अभिका नगर। राजस्थान में वे दो जिले जिनमें कोई भी नदी नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बीकानेर एवं चुरू। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना जो है वो किस जिले में स्थित है, ऑप्शन ए डूंगरपुर। जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है, तो ऑप्शन बी जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को थली कहा जाता था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए चुरू सरदार शहर। निम्न में से कौन सा युग्म जो पशु मेले से संबंधित है सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
मल्लीनाथ, ये हो जाएगा तिलवाड़ा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी जाखम माही, ये आपका सही हो जाएगा। ओके तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।